नमस्ते, मेरा नाम अन्नू है और अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आवर ओन सिविलाइजेशन की तीसरी पैराग्राफ, थर्ड. ओके, आवर ओन सिविलाइजेशन का मतलब है हमारी सभ्यता. तो मैं लाइन पे लाइन पढ़ के सुनाऊंगी और फिर मतलब बताऊंगी. आई हैव गिवन ओनली अ फ्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डे ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. But you will see how in countless ways, in his work, in his traveling, and his amusements, he relies on machinery. देखो, ये जो है बड़ी लंबी सेंटेंस है, तो मैं भाग भाग में सुनाऊंगी. I have given only a few of the events of an ordinary day. मैंने खाली थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं जो नॉर्मल से डे में होती हैं, नॉर्मल से आदमी के लाइफ में. But you will see how in countless ways, पर आप देखोगे कि अनगिनत रास्तों से, in his work, in his traveling and his amusements, उसके काम में, उसके ट्रैवल में, जहाँ वो जाते हैं और जहाँ वो एंटरटेन करने अपने आप को जाते हैं, जहाँ उनको मज़ा आता है, he relies on machinery. आम आदमी जो है मशीनों की सहायता लेता है, माने मशीनें उसे चाहिए होती है. relies on माने उसे चाहिए. Whenever he wants to do anything, जब भी उसे कुछ भी करना होता है, और hear anything, कुछ भी सुनना होता है, और see anything, या कुछ भी देखना होता है, और go anywhere, माने कहीं जाना होता है, he calls upon machines to assist him. वो मशीन जो है, he calls upon, माने वो मशीनों को बुलाता है, और मशीनें जो हैं, उसकी सहायता करती हैं. Assist माने सहायता. And the machines work by means of the power, steam, electricity, petrol, or whatever it may be that man has won from nature. अच्छा, और जो मशीन है, and the machines work, माने machines काम करती हैं power से. अच्छा, और power बनता है steam से, माने जो धुआं निकलते हैं steam के engine से, वो जो धुआं है वो उसे steam बोलते हैं. electricity माने बिजली, petrol जैसे petrol आप अपने car में भरते हो, और whatever it may be या जो भी है जो आदमी ने nature से, प्रकृति से लिया है. जैसे जो पेट्रोल आता है वो जमीन के नीचे से आता है ना, तो वो प्रकृति से आता है. नाउ एट फर्स्ट इट माइट सीम, पहले ऐसा लगेगा जैसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हु स्पेंड सो मच टाइम गेटिंग हेल्प फ्रॉम मशीन्स. मॉडर्न माने आजकल के नवयुग, इतना टाइम सेव करते हैं क्योंकि मशीनों उनका मशीन उनका काम करती हैं, हेल्प करती हैं, उनकी सहायता करती हैं. आर वेरी लेजी, लेजी माने कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही बैठे रहना. तो ऐसे लगता है जैसे ओ आजकल के युग जो हैं कुछ नहीं करते हैं, मशीन ही सब करती हैं और वो बिल्कुल कुछ नहीं करते. फॉर वॉट आर द मशीन्स फॉर बट टू सेव पीपल ट्रबल. मशीन क्यों बनी है? इसलिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ट्रबल ना हो. ट्रबल माने प्रॉब्लम. दे आर एक्स्ट्रा लिम्स विच मैन हैज़ मेड आउटसाइड हिमसेल्फ टू डू देयर वर्क फॉर हिम. ऐसे समझो जैसे मशीन जो हैं वो एक्स्ट्रा हाथ और पैर हैं जो आदमी ने अपने बाहर से बनाए हुए हैं कि उसके लिए काम करें, कि एक्स्ट्रा हाथ और पैर उसके लिए काम करें. Cranes and lifts are extra arms to do the job of lifting. जो क्रेन होती हैं, जो बिल्डिंग बनाती हैं, अपनी बड़ी बड़ी मशीन देखी हुई हैं, जो बिल्डिंग का सीमेंट लगाती हैं और वुड लगाती हैं, माने लकड़ी लगाती हैं. बिल्डिंग जब बनती है, पिलर्स डालते हैं, स्टील के जो हैं वो बड़े बड़े जो खम्भे हैं वो डालती हैं, वो उन्हें क्रेन जो बोलते हैं. एंड लिफ्ट्स, लिफ्ट्स माने जैसे आप लिफ्ट में जाते हो. लिफ्ट्स वो भी होती हैं जो बिल्डिंग बनाने में काम करती हैं. आर एक्स्ट्रा आर्म्स, ऐसे समझ लो जो ये क्रेन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आर्म्स है, माने बाजू हैं. ओके, जो लिफ्ट करती हैं, जो उठाती हैं. ट्रेन्स एंड मोटर्स आर एक्स्ट्रा लेग्स.
ट्रेन्स और जो भी मोटर कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, एक्स्ट्रा लेग्स हैं, हमारे एक्स्ट्रा पैर हैं जो हमारी सहायता करते हैं चलने में और रनिंग में, भागने में. टाइपराइटर्स एंड प्रिंटिंग मशीन्स आर एक्स्ट्रा ब्रेन्स. टाइपराइटर्स जिसमें आप टाइप करते हो, और प्रिंटिंग मशीन्स जिससे पेपर बनता है, प्रिंटिंग प्रेस जो है, वो एक्स्ट्रा ब्रेन्स है, माने एक्स्ट्रा दिमाग है. टू सेव अस द ट्रबल ऑफ रिमेम्बरिंग, ताकि हमारी सहायता कर सके याद रखने में. रिमेम्बरिंग माने याद रखना. वी हैव इवन इन्वेंटेड फॉर आर सेल्स, हमने ऐसा भी किया है कि हमने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, न्यू काइंड्स ऑफ लिम्स एंड मेक एरोप्लेन्स विच टेक द प्लेस ऑफ द विंग्स वी हैव नॉट गॉट. नाउ मनुष्य के पास पर तो नहीं है कि उड़ सके जैसे चिड़िया उड़ते हैं, पर हमने ये पर भी बना लिए हैं जो हमारे नहीं हैं, पर एरोप्लेन जो है हमारे पर जैसे हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. And yet it is difficult to suppose that men would have invented these complicated machines to serve as their extra limbs merely because they were lazy. अच्छा, तो जब सोचने की बात है कि मनुष्य इतना आलसी है, लेजी है, कि उसने ये सारी चीज़ें बनाई, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स बनाई. Would they have taken all this trouble merely to save themselves trouble? कि हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, इसलिए हमने मशीन बनाई. And in fact, man is not at all lazy. पर ट्रूथ तो ये है, सच तो ये है कि मनुष्य जो है वो बिल्कुल आलसी नहीं है. He is the most restless and energetic of all living creatures. वो सबसे restless माने बेचैन है, और energetic माने बहुत सारी energy है उसमें, तंदुरुस्ती है. जो भी जीवित creatures हैं, माने ये जो है animals हैं, पंछी जो हैं, उसमें से man जो है सबसे बेचैन, सबसे restless और सबसे energetic, माने जिसमें सबसे ज़्यादा काबिलियत हो और energy हो, उन सब creatures में से, उन सब से मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा है. अच्छा, तो ये हुई थर्ड पैराग्राफ. मैं चौथी पैराग्राफ भी क्योंकि वो बहुत छोटी है वो भी कर लेती हूँ. व्हाई इज इट देन दैट मैन अलोन ऑफ ऑल द एनिमल्स हैज गॉन इन द ट्रबल ऑफ इन्वेंटिंग सो मेनी डिवाइसेस फॉर सेविंग हिमसेल्फ द लेबर ऑफ लिफ्टिंग एंड कैरिंग एंड वॉकिंग एंड रिमेम्बरिंग. तो ये जो है वो सब चीज़ें अब साथ कर रहे हैं एक ही पैराग्राफ में. व्हाई इज इट, क्यों है कि मनुष्य ने, बाकी सब पंछी के को छोड़ के मनुष्य ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, ताकि वो कुछ उठाना, कुछ अपने हाथों से कुछ उठा ना पाए, या कुछ ले ना पाए, या चल ना पाए, या दिमाग इस्तेमाल ना कर पाए, माने सब याद रहे जैसे प्रिंटिंग प्रेस से. द ओनली आंसर सीम्स टू बी दैट थिंग्स बोर हिम. ये लेखक जो है ये बोल रहे हैं कि वो सोचते हैं कि मनुष्य ने ये सब किया क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आदमी करना नहीं चाहता, वो बोर करते हैं उसे, माने उठाना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता, दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहता, रिमेम्बर नहीं करना चाहता, वो इसलिए ये जो चीज़ें हैं उसे बोर करती हैं. They are not the things he really wants to do. वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता. And so he gets the machines to do them for him. तो वो मशीनों से ये काम करवाता है. In order that he may have time and energy for other things. ताकि उसके पास, मनुष्य के पास वक्त हो और एनर्जी हो और चीज़ों करने के, और चीज़ें करने के लिए. For the things he really wants to do. जो वो सच्ची में करना चाहता है. What things? कौन सी चीज़ें? अच्छा, जो फिफ्थ पैराग्राफ भी है, पांचवा पैराग्राफ, वो बहुत छोटा है तो मैं ख़त्म कर लेती हूँ. आई cannot answer this question without saying something about the bad parts of our civilization. ये जो question आप पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें, मैं ये नहीं बता सकती. मुझे कुछ अपनी प्रकृति के बारे में खराब चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी.
बट इट वुड नॉट बी फेयर टू डू दिस विदाउट फर्स्ट प्रेजिंग इट फॉर इट्स गुड पार्ट्स। पर ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं खराब चीज़ें बताऊं, क्योंकि पहले जो है मुझे इन चीज़ों फर्स्ट प्रेजिंग, पहले फर्स्ट प्रेजिंग प्रशंसा, ओके प्रेजिंग इज प्रशंसा अच्छी चीज़ों के लिए, फॉर इट्स गुड पार्ट्स। वॉट आर दे? अच्छा तो ये चीज़ें क्या हैं? ओके तो अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें बाकी की पैराग्राफ्स आएंगी।